समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने संसद में सेंगोल की जगह संविधान रखने की मांग की है। इस मांग पर एनडीए से जुड़े सांसदों से लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तक की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आर के चौधरी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, हम अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है, लेकिन बीजेपी सरकार खासकर पिछली सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उच्च संसद भवन में स्पीकर के बैठने की जगह के बगल में सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है राजदंड यानी राजा की छड़ी। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है, लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासकर जो पिछली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उस संसद भवन में जहाँ स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड, राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी, राजा की छड़ी का और माने है राजा डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है, और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रस्थान चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा डंडा चलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से। आर के चौधरी के बयान पर एनडीए से जुड़े सांसदों की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ये जो ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कि ये प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन्होंने अपने सांसद की ही तुलना प्रभु राम से कर दी थी, तो पूरी मतरी भ्रष्ट हो रही है। बोलते हैं ना कि शुरू नहीं हुए और ख़त्म होने की तैयारी हो गई। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन्होंने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी, तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना शुरू नहीं हुए कि ख़त्म होने की तैयारी हो गई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा, भारत के इतिहास और संस्कृति का समाजवादी पार्टी सम्मान नहीं करती है, सपा के शीर्ष नेताओं का सेंगोल को लेकर दिया बयान निंदनीय है, ये तमिल संस्कृति के लिए इंडिया गठबंधन की नफरत को भी दिखाता है, सेंगोल भारत का गर्व है। इस बारे में अखिलेश यादव से भी सवाल किया गया। अखिलेश ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो PMG ने प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते हुए वो भूल गए, इसलिए उन्होंने ये मांग की है। जब प्रधानमंत्री भी प्रणाम करना भूल गए तो उनकी भी यही इच्छा रही होगी। नहीं, ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था, आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा, जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। मई 2023 में पीएम मोदी ने संसद के नए परिसर में सेंगोल को स्थापित किया था। पीएम मोदी ने तब तमिलनाडु के अधीनम मर से सेंगोल स्वीकार किया था और इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया था। तब अमित शाह ने दावा किया था कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। अमित शाह ने कहा था कि नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था।
जानकारों का कहना था कि नेहरू ने इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया होगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। मोंटू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।